नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू महादेव फैमिली। आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी ख़राब है और क्लाउड्स आए हुए हैं। हम लोग बाहर जा रहे थे, आपको लेकर जा रहे थे हम रोहांडा, लेकिन वेदर की वजह से, जो इंस्ट्रक्शन है कि बारिश हो सकती है, उस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो आज हम घर में ही इंजॉय कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमने प्लान किया कि हम बाहर आग जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने ये जलाना शुरू की है और यहाँ पर ही हम इंजॉय करते हैं आज छोटा सा गेट टुगेदर करके। मैं हूँ, नोनो है और नोनो के पापा हैं। अब पहले देखते हैं कि आग कितनी देर में जलती है, क्योंकि लकड़ी थोड़ी सी गीली है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से जले। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मैं छील रही हूँ आलू। क्यों? और क्योंकि तूने डिमांड रखी ना कि भी पकौड़े बना दो, फिर पकौड़े के लिए तो आलू और प्याज तो काटने नहीं पड़ेंगे। आलू प्याज ऐसे आप गोभी के परांठे बनाते थे, गोभी के बनाते थे पहले पकौड़े ना, अब क्यों बना रहे हो आलू के? तो आलू प्याज के भी बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये जो आलू है ना, ये नॉन वाला आलू नहीं है, वो वाला है, ये पापा की आग जलती है, तेरे को पता तो है, रात को 7 बजे जलेगी आग, फिर उसके बाद अच्छा है। बेसन ले आया तू बेटा? ले आया हूँ। तो गाइस देखो, आज का मौसम बादल ही बादल हुए हैं। साइकिल रख दे साइड पे, उठो उठो उठो, मोटरसाइकिल भी अंदर कर, जल्दी जल्दी उठा मोटरसाइकिल, जल्दी 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 निकाल, जल्दी से जल्दी 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 कर दे। चालू यही दो, मैं बाहर ही है ना, तुम्हें इतनी चला के लेके जाएगा इसको, नीचे उतरने में ड्रामा नहीं कर, कैमरा बिक जाएगा पूरा। बंद कर दो कैमरे को। क्यों करना बंद? जल्दी ऐसी कौन सी जली थी? अब तू ऐसा करना, आलू काट रही हूँ मैं और प्याज है ना, तो तू पता कैसा कर, इसमें ऑयल डाल दे कढ़ाई के अंदर, तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा ना। ओके, तब तक ये मटेरियल मैं तैयार कर देती हूँ। तीखे पकौड़े बनाऊँ कि थोड़ा सा सोबर जैसे बनाऊँ? बना दो जैसे बनाने, तेरे को कैसे पसंद है? जैसे मर्जी मिल जाए, खाने को मिलना चाहिए मेरे को तो। बहुत सारा कड़वा तेल पकौड़े बनाने के लिए, ऐसे नहीं बन जाते पकौड़े ना, टाइम लगता है। आप सोचो भी यहाँ बोला और हो गया, तेल डाल दिया, आलू प्याज काट दिए। मौसम ठंडा होने की वजह से आज डिमांड की थी मेरे से कि पकौड़े बनाया जाए, तो ये मैं घर में बना रही पकौड़े, क्योंकि हम बाज़ार से जो है पकौड़े वगैरह नहीं लाते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ घर का हाइजीनिक फूड, और साथ में बनाऊँगी मैं टमाटर की चटनी। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये मैं इसका छिलका टमाटर का भून करके बनाऊँगी और ये निकाल दूँगी और फिर ग्राइंड करूँगी मिक्सी में। थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और ये टमाटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो गरम है थोड़ा सा, क्योंकि छिलका उतारना था मैंने और इसको थोड़ा सा रोस्ट करना था, और फिर टमाटर की चटनी हरी डालूँगी, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, धनिया मतलब कि पाउडर नहीं, हरी पत्ती वो डालूँगी, और साथ में पकौड़े, उसके साथ ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और मैं अनारदाना नहीं डालूँगी, वैसे तो मैं अनारदाना प्रेफर करती हूँ चटनी में, थोड़ी सी शुगर के साथ मैं डालूंगी नींबू। पकौड़े खाए नहीं? पकौड़े तो अभी नहीं बने, ये कर देंगे बच्चा, ग्राइंड करना है तुम्हें, कर देगा? दो तो जा रहा मिक्सर द्वारा, इधर है मिक्सी का जार, ये वाला छोटे वाला, बड़े वाला नहीं, छोटे वाला। हरी मिर्ची बहुत सारी की कम जैसी है भाऊ? हरी मिर्ची ज़्यादा डालूंगी, थोड़ी डालूँ
वो यार जार नहीं दिखा दे, वो ये है जार। मैं मिक्सी ढूंढ रहा हूँ। मिक्सी उधर है। ये डाली हरी मिर्ची और ये डाला टमाटर। मिक्सी कहाँ रखी होती है? मिक्सी के पास ही होगी मिक्सी तो। तो आप बोलो पर जाके अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक, काला नमक प्रेफर करना है इसको, ठीक है? हाँ लगा इसको और पकौड़े बन रहे हैं कुरकुरे। तब तक कद्दू, हाँ इसके अंदर ये डाला नींबू, ठहर एक और भी है ना उसको भी डाल देती हूँ, खट्टी खट्टी सी बनेगी बढ़िया। क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा और नोनो को दिया था चटनी बनाने के लिए और इसने सारा कचरा कर दिया यहाँ पे, सारा गिरा दिया नीचे की तरफ। जब जो काम बोला हुआ ना वो करना, ठीक है? ये बन गई टमाटर की चटनी, वेरी टेस्टी। ये टमाटर की चटनी में यही रंग आएगा, और कौन सा रंग आएगा इसके अंदर? तू खाने लग गया है ना, शर्म कर थोड़ी जनानो। इसके लिए बनाया, शर्म क्यों करनी है ना बेटा, इसके लिए बनाया। ये हो गई चटनी तैयार। पता नहीं अब कैसे ये वाले पकौड़े डालने अभी ये डाल ले अभी तो मैंने ये रखे ना, एक तो सामान इतना सारा है। घर वालों को खिलाए, खुद खाए, घर वालों को खिलाए। टेस्ट तो कर ले, टेस्ट कर। क्या हुआ बोल, मिर्ची लगी? नहीं। अच्छा हुआ, इतनी मिर्च खाता हूँ मैं। अच्छा रोज रहा था बाहर? मैं रो रहा था, पानी पानी पिला रहा था। नहीं तीखी बड़ी है ना, आया मन अब। और डाल रही हूँ मैं ये पकौड़े का मटेरियल, पीछे इसमें खत्म कर दिए, देख ले इधर ले गया पूरी प्लेट। नहीं देना अब, जलिए आ गया ना। मैंने जलाई है, आपने थोड़ी नहीं जलाई। तो जल तो गई। हाँ क्या कर रहा है तू? हैं पापा को दे दे साथ में, लो मार दो। अकेले थोड़ी नहीं खाना होता, मिलजुल के खाने में बड़ा मजा आता है, ठीक है? चबा भी लिया कर साथ में, के तो खाया। मिर्ची तो नहीं है ज़्यादा, पकौड़े में नहीं है मिर्ची, चटनी में है। फ्रेंड्स मेरे पकौड़े तैयार तीखी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी मैंने बनाई है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को, और साथ में आग जली हुई है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम घर पर ही बैठ कर के गेट टुगेदर कर रहे हैं, पकौड़ा चटनी इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का मौसम आपके आसपास भी है तो आप भी पकौड़े बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। मेरे को मिर्ची लग रही है। ले खा, क्या हुआ? इंजॉय कीजिए पकौड़े को। कीप वॉचिंग, बाय बाय।